नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने मौसम पर कहा है कि इस समय गोरखपुर को ग्रीन जोन में रखा गया है, लेकिन अभी कुछ जगहों पर बारिश हो रही और कुछ जगहों पर काले बादल छाए हुए हैं और कुछ जगहों पर धूप निकल रही, इसी तरह से हल्का मासूम बना हुआ है। अगले दो दिनों तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा तो उन्होंने कहा कि अब मौसम सर्दी की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सर्दी खांसी व जुकाम हो रहा है। इस समय जो बारिश हो रही है इसमें ना भीगें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, इस समय जो ये मौसम का जो अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है, इस समय जो IMD द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार पूरे इधर की जोन को ग्रीन जोन में ही रखा गया है, लेकिन यह जो चक्रवाती एक जो एंटी साइक्लोनिक प्रेशर टाइप का जो बना हुआ है उसके कारण ये कुछ कुछ जगहों पर बारिश भी हो रही है, कुछ जगहों पर बादल भी छाए रह रहे हैं, कुछ जगहों पर धूप भी निकल जा रही है। तो इस तरीके का थोड़ा सा मौसम अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन अभी इस तरफ थोड़ा हल्का मानसून का सीजन बना रहेगा। अगले एक दो दिनों तक इसी तरह का माहौल रहेगा, उसके बाद जैसा IMD द्वारा सूचना प्राप्त होगी उसके अकॉर्डिंगली फिर इसको अपडेट किया जाएगा। देखिए, मौसम अनप्रिडिक्टेबल है, थोड़ा सा अब ठंडक की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, इस समय सर्दी जुकाम के केसेस भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें कोशिश करें कि जो ये बारिश हो रही है इसमें कतई भीगे ना, और खास तौर से जब ये मौसम बिगड़ा हुआ रहे तो उस समय सचेत ऐप और दामिनी ऐप का जरूर प्रयोग करें, उसी अकॉर्डिंगली ही विजिट करें, बाहर कहीं भी निकले और बारिश में अवॉइड करें बाहर जाना, जिससे कि आप सुरक्षित रह सकें, क्योंकि इस समय मच्छर जनित बीमारियां भी डेंगू इत्यादि भी है, तो इसलिए भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना और ज्यादा जरूरी। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्यनगर में छात्रों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव विनोद कृष्ण ने छात्रों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में अपर सचिव विनोद कृष्ण ने बताया कि छात्रों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी बहुत अच्छी, हमें स्वयं निरीक्षण करके सभी मॉडल को देखा है। ये बच्चों द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें सामयिकता और डेली यूज के लिए अच्छे मॉडल बनाए हैं, इसमें इनकी मेहनत भी प्रदर्शित हो रही है, जिसके लिए सभी छात्र बधाई के पात्र हैं। हम इन छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, क्योंकि यही बच्चे भविष्य में अच्छे वैज्ञानिक के रूप में स्थापित होंगे। उन्होंने स्कूली शिक्षा से ही बच्चों के सीखने की उम्र होती है, जब बच्चे विद्यालय स्तर से अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं तो आगे जाकर यही बच्चे APJ अब्दुल कलाम और CV रमन बनते हैं, जिनकी प्रतिभा पूरे देश में दिखती है और पूरी दुनिया सलाम करती है। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अमरकांत सिंह सहित ये लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव विनोद कृष्ण व प्रदर्शनी लगाने वाले छात्रों ने कहा, तो
विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जहाँ तक कहा जाए, किसी भी देश की प्रगति का आधार वहाँ के विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। जितना उन्नतशील होंगे आप विज्ञान प्रगति में, उतना ही आपका देश सुरक्षशाली होगा। इसी परंपरा के अंतर्गत आप जो पूर्व विभाग की बात से चलते हैं, देखने के हमारे यहाँ आठ बैठते हैं और बारहवीं सुंदर और किसी तरह जब हम अपने आखिरी भारत में आते हैं श्री रमन्ना श्री विश्व सर्वेश्वरेखा था ए पी जे आराम अब्दुल कलाम आजाद था, ये अनेक ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपना एक स्थान और एक कुछ न कुछ भारत को एक देख ले गए हैं। उसी परंपरा कड़ी के अंतर्गत ये विज्ञान प्रदर्शनी जो आज के समय विद्यालय सब प्यारे की जाती है जैसा एक मेरे मात्र है, वास्तव में ये परंपरा जो विज्ञान प्रदर्शनी है ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में विज्ञान के प्रति एक लगाव उनके जो मॉडल्स दिखाए जा रहे हैं यही बच्चे आगे चलकर पुरुष में अपना एक स्थान बनाएंगे और देश में कहीं ना कहीं ये स्थान बनाते हुए सर्वोच्च करेंगे। बहुत अच्छा है, मैंने निरीक्षण करके देखा, स्वयं ज़्यादा सारे मॉडल्स देखा है और बच्चों द्वारा ये जो अपने मॉडल्स प्रदर्शित किए गए हैं इनमें एक समसामयिकता है तथा डेली यूज़ के लिए हैं और बहुत अच्छी तरह लोगों ने इन मॉडल्स बनाए हैं जिसमें इनकी मेहनत भी प्रदर्शित हो रही है, आपके आचार्यों की मेहनत प्रदर्शित हो रही है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं और भविष्य में एक उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, भविष्य में अच्छे वैज्ञानिक के रूप में भी स्थापित होंगे। धन्यवाद। यही वो इनकी सीखने की स्टेज होती है, प्राइमरी स्टेज यही है कि बच्चे जब विद्यालय स्तर से अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं तो आगे जाके यही बच्चे ही कलाम बनते हैं और सी वी रमन बनते हैं, तो ऐसे ही बच्चे जिनकी प्रतिभा प्राथमिक स्तर पर दिखती है वही बच्चे भविष्य में एक बड़े वैज्ञानिक ग्रुप में स्थापित होते हैं। मैं इनके वास्तव में इनको बधाई देता हूं और इनके आचार्यों को इनके प्रचार्य को समस्त लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत पाइप लिया है, इसमें बहुत सारे होल्स किए हैं और इसमें एलपीजी गैस भरा है जैसा कि आप देख रहे होंगे, और एक तरफ हमने साउंड सिस्टम लगाया हुआ है ताकि जो बेस की फ्रिक्वेंसी है जो म्यूज़िक की फ्रिक्वेंसी होती है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने चलाया है तरंग दैर्ध्य बहता है, तो हम सिर्फ आवाज़ को सिर्फ देख सकते हैं सुन सकते हैं देख नहीं सकते हैं, तो फ्रिक्वेंस जब हवा में तरंग चलती है तो वो प्रेशर उत्पन्न होता है जो स्ट्रिंग और गर्त में चलता है, तो हम यहाँ इसके म्यूज़िक में आप देख सकते हैं जहाँ प्रेशर जहाँ लौ ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम है, जहाँ लौ कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो इसे हम नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ें कर सकते हैं, इसे स्टडी करेंगे एक तो हम इसे एक सीधी रेखा में एक ही व्यक्ति के पास भेजें, जैसे रेडियो ट्रांसमिशन आपने सुना होगा कोई और भी ले सकता है हमारा मैसेज, पर इस जैसे लेजर एक सर एक आयुष कुमार शर्मा। इसको बनाने के लिए एक डायनमो यूज़ हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जनरेटर, और वाटर सप्लाई करके हम लोग इससे वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं। कैसे काम करता है? हम लोग पहले रिवर के वाटर के ऊपर डैम लगा के एक आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं, उसके बाद उस लेक को एक छोटे एरिया के द्वारा पानी को बहा करके हम लोग टरबाइन के ऊपर से गुजारते हैं, जो टरबाइन का वाटर व्हील घूमता है और वाटर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी की पैदा होता है, उससे हम लोग गाँव के तरफ हम लोग इको फ्रेंडली एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे।
इसको बनाने के लिए हम लोग को एक हफ्ता का समय लगा था। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। सूबे के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे। यहां पर मंडल में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा के इस दौरान मंडल के चारों जिलों के CMO AD हेल्थ मौजूद रहे। इसके अलावा गोरखपुर कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के प्रचार भी शामिल रहे। समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू को लेकर इंतजामों को परखा है। उन्होंने अधिकारियों से संचारी रोग अभियान को तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि डेंगू मरीजों के जाँच व इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। मरीज को समय से इलाज मिलना चाहिए। अस्पतालों में बेड व दवा के पर्याप्त इंतजाम हो। मरीज को बाहर से दवा ना खरीदनी पड़े। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, राज्यसभा सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह, SSP डॉ. गौरव ग्रोवर, CMO डॉ. आशुतोष दुबे सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने कहा, मंडल के सभी हॉस्पिटल्स के साथ साथ मेडिकल कॉलेज जो देवरिया और गोरखपुर के बिंदवार हमने समीक्षा की है। विशेष रूप से बुखार के जो अभी सीजनल चल रहा है, वायरल डेंगू, मलेरिया, कालाजार, इसको लेकर के सभी अस्पतालों की बिंदुवार समीक्षा की है। और विशेष रूप से हमने सर्जरी के बारे में भी पूछा है, कितनी सर्जरी सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में CSCs में हो रही है, जो डिलीवरी केसेज हैं उनके बारे में भी चर्चा की है। सभी अस्पतालों को मेंटेन करने के हमने निर्देश दिए हैं। स्ट्रेचर, व्हील चेयर सब जगह गेट पर उपलब्ध रहे। और ये भी हमने सभी अस्पतालों को कहा है कि कम से कम एक व्यक्ति तैनात किया जाएगा अस्पतालों के रिसेप्शन पर। जैसे ही मरीज आएगा उसको रिसीव करके वो उनके जरूरत की स्थान तक, चाहे पर्चा काउंटर पे या इमरजेंसी में पहुंचाएंगे। मरीज के परिजनों को अस्पताल परिसर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको सुनिश्चित करने के हमने निर्देश दिए। दवाइयों की पूरी उपलब्धता है, ब्लड की सेपरेटर यूनिट हमारे चल रहे हैं, प्लेटलेट्स की आवश्यकता होगी तो उसकी भी कोई हमारे पास कमी नहीं है, क्योंकि सेपरेटर यूनिट सभी जिलों में ठीक से काम कर रहे हैं। और पूरी सतर्कता के साथ हमने काम करने के लिए कहा है। छुट्टियों के लिए अभी मना किया है जब तक ये सीजनल वायरल फीवर चल रहा है। सभी लोग मेहनत के साथ काम करेंगे और इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, हमें कुछ आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मिली है, उसको भी शासन स्तर, हर स्तर पर हम गोरखपुर मंडल के लिए सारी आवश्यकता इनकी पूरी करें। सर, आप लगातार अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिले में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, प्रयागराज को या फिर मिर्जापुर को तमाम अस्पताल देखने को मिले, हॉस्पिटल में ताले रहते हैं और डॉक्टर वो प्राइवेट अस्पताल। देखिए, हम जो निजी चिकित्सालय हैं उन पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं, जो अनुमन्यता के विपरीत है, जिनके पास लाइसेंस तो है लेकिन मानक पूरा नहीं करते, ऐसे सभी अस्पतालों का हम निरस्तीकरण भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुछ जगह पे डेंगू के बहुत ज्यादा प्रकोप है, लखनऊ में जगह पे ऐसी कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हम स्वयं जा रहे हैं, कल हमने अलीगढ़ मंडल और बरेली मंडल की समीक्षा की थी, आज हम गोरखपुर मंडल की समीक्षा कर रहे हैं। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, स्थितियाँ नियंत्रण में है। सभी मरीजों को हम भर्ती करेंगे और सबको सरकारी स्तर पर सभी दवाइयां हमारे उपलब्ध है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ लिस्ट बनाई है जो सरकारी डॉक्टर्स हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से जो है, हमने ऐसे चिकित्सकों की सूची बनाई है या मांगी थी विभाग से, जो चिकित्सक लगातार ड्यूटी से गैर हाजिर है। ऐसे लगभग 2700 चिकित्सक थे जो अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर है, उनकी सूची मंगाई है, कुछ लोग वापस लौट आए हैं। 700 के लगभग चिकित्सकों को हमने नोटिस दिया है, 62
के लगभग मरीजों 60 से 62 लगभग चिकित्सकों को हमने बर्खास्त किया है, और नोटिस का अगर जवाब संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, किन परिस्थितियों में गायब थे वो, ऐसे सभी लोगों को हम सेवा से पृथक करके नए चिकित्सकों को सरकारी सेवा के लिए भर्ती कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल डेंगू मरीजों को छुपा रहे हैं, ऐसा है क्या आप तक कोई सूचना? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ ये पोर्टल बना हुआ है, ये जिम्मेदारी है कि प्राइवेट लैब्स भी जो भी खून की जांच करेंगे वो पोर्टल पर डालेंगे और जानकारी मिलाएंगे। सर, देवरिया घटना को लेकर क्या कहेंगे सर? देवरिया किसी को बख्शेंगे नहीं। देवरिया की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है, इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और ऐसी घटना करने वालों की पुश्तें भी याद करेंगे कितनी कड़ी कार्रवाई होगी। बीआरडी में बच्चे से मिलने भी जाएंगे? जाएंगे।